कंझावला मामले में लड़की की दोस्त का बयान, मीडिया को बताई उस रात की कहानी, कहा दोनों के बीच होटल में नहीं हुआ था झगड़ा। दोस्त के मुताबिक होटल से भारी मात्रा में शराब पीकर निकली थी मृतक लड़की, गाड़ी चलाने से मना करने पर होटल के बाहर हुआ विवाद। दोस्त का खुलासा, कहा वारदात वाले दिन अंजलि का बॉयफ्रेंड से हुआ था झगड़ा, होटल से अचानक घर जाने की जिद की थी। दोस्त के मुताबिक आरोपी लड़कों को पता था कि इनकी कार के नीचे लड़की फंसी हुई है, गाड़ी में म्यूजिक नहीं बज रहा था। हादसे के बाद अंजलि को अकेला छोड़ने के सवाल पर दोस्त ने कहा, मैं डर गई थी इसलिए वहां से भाग गई। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली में हुआ अंजलि का अंतिम संस्कार, जमा हुई लोगों की भारी भीड़। अंजलि के घर पर शव पहुंचने के बाद हुआ भारी हंगामा, पुलिस की गाड़ी के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल ने अंजलि के परिवार को ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, बेटी को न्याय दिलवाने का वादा किया। कंझावला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दी जानकारी, चोट और शरीर के घिसटने की वजह से हुई लड़की की मौत। पुलिस ने कंझावला केस में की पुष्टि, मामले में रेप का कोई एंगल नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोई बात नहीं। कंझावला मामले पर निर्भया की मां ने भी पुलिस और दूसरी लड़की पर उठाया सवाल, कहा वारदात के वक्त कहां थी पुलिस, दूसरी लड़की को भी करना चाहिए था मदद के लिए कॉल। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कहा पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम चरमरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से की फोन पर बात, जलवायु परिवर्तन और कॉमनवेल्थ देशों के मुद्दे पर हुई चर्चा। दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी सहित लगभग 200 सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा, जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर लग सकती है मुहर। यूपी पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के चीन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, देश का मनोबल गिरा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल का डुप्लीकेट, आसपास जुटा लोगों का हुजूम। राहुल गांधी की टी शर्ट पर प्रियंका ने दिया जवाब, राहुल के साथ सत्य का कवच है, देश को बचाकर रखेंगे, देश को बचाने का संकल्प लिया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार पर विवादित बयान, कहा हाथ में कटोरा लेकर विशेष राज्य का दर्जा मांगने विमान से दिल्ली जाते हैं। सुधाकर सिंह के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले ऐसी टिप्पणी करना मतलब बीजेपी की नीतियों का समर्थन करना, मेरे और लालू यादव के अलावा कोई तीसरा बोलने के लिए अधिकृत नहीं। बिहार के वैशाली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की, कहा मैं बिहार की धरती को नमन करता हूं, बिहार बदलाव चाहता है। नड्डा की रैली पर सीएम नीतीश का तंज, कहा बीजेपी को देश के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए ही काम करना है। ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा, कहा भारत के करीब आतंक का अड्डा, आतंकवाद का असर सीमित नहीं। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान तेज। कश्मीरी पंडित प्रवासी कर्मचारियों ने राजौरी में निकाला कैंडल मार्च, बीते दिनों हुई हत्याओं का विरोध किया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बंद का ऐलान किया, राजौरी में किलिंग के खिलाफ जताया विरोध। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव के पैतृक घर पर हुआ हमला, हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ कर लगाई आग। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पत्थरबाजी, बीते 2 दिनों में 2 बार हमले, मामले की जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफिले की एक गाड़ी बस से टकराई, दमोह में हुए हादसे में गाड़ी में बैठे ज्यादातर लोग हुए घायल। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का मुद्दा गरमाया, सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोग नाराज, हल्द्वानी में निकाला गया कैंडल मार्च। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सियासी घमासान, मामले की जांच के लिए समाजवादी पार्टी के 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज हल्द्वानी पहुंचेगा। एमपी विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने बीजेपी आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी होने का किया दावा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर गुमराह करने का लगाया आरोप।
चीन के साथ विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा हम युद्ध में यकीन नहीं रखते लेकिन युद्ध थोपा जाता है तो हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। ज्ञानवापी मामले में आज जिला अदालत में होगी सुनवाई, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के रिविजन पर कोर्ट करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री भूखंड योजना की शुरुआत करेंगे, 10,500 लोगों को भूखंड वितरित करेंगे, 600 वर्ग फीट का दिया जाएगा प्लॉट। पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर महिला अधिकारी की तैनाती, कैप्टन शिवा चौहान बनी सियाचिन में पोस्ट होने वाली पहली महिला अधिकारी। कैप्टन शिवा चौहान 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद पोस्ट पर हुई तैनात, सामने आया वीडियो। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन्स की जल्द होगी शुरुआत, हेरिटेज लाइंस पर दौड़ेंगी हाइड्रोजन ट्रेन। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, कई राज्यों में चल रही है शीतलहर। एमपी में अब ठंड की वजह से स्कूलों का वक्त बदलने के निर्देश, श्योपुर और जबलपुर में डीएम ने स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में ठंड और कोहरा जारी, मौसम विभाग ने 6 जनवरी के बाद बर्फबारी का अनुमान जताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में नए साल की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया खूबसूरत नजारे का लुत्फ। सिक्किम में उत्तर से लेकर पूर्व तक बर्फबारी का अनुमान, पहाड़ी इलाकों में बारिश की भी संभावना। G20 से पहले आगरा का भी हो रहा है सौंदर्यकरण, शहर में सफाई पर दिया जा रहा है खास जोर। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ 10 जनवरी को आएगा फैसला, आरोपियों की रिमांड भी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कोच का बयान, कहा आरोपी मंत्री का बचाव कर रही है हरियाणा सरकार, पैसे लेकर मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही है। झारखंड के खूंटी में जैन धर्म के लोगों का प्रदर्शन, सम्मेद शिखर पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मौन जुलूस। पटना सिटी के बाईपास क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप, सुनसान रास्ते पर 4 लोगों ने किया छात्रा का अपहरण। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर दिखा तेंदुआ, वन विभाग और पुलिस टीम को बुलाया गया, पिछले हफ्ते भी मिली थी तेंदुए दिखने की जानकारी। अलीगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप, दूसरे समुदाय के युवक पर दुष्कर्म का आरोप। टिकट चेकिंग में मध्य रेल ने बनाया इतिहास, अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच वसूला करीब 240 करोड़ रुपए का जुर्माना। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर बड़ा सड़क हादसा, चौराहे पर आपस में टकराई 7 गाड़ियां। नोएडा के सेक्टर 100 में दीवार गिरने से हादसा, 2 मजदूरों की मौत। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में लगी आग, 12 से भी ज्यादा गाड़ियां जली, वाहन मालिकों के बीच मचा कोहराम। तमिलनाडु में 6 गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के बांदा में अस्पताल में मरीजों के बीच घूमते देखे जानवर, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक अपने भाई की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, आत्मदाह करने की कोशिश की। धौलपुर में बजरी माफिया ने सीओ सिटी की गाड़ी पर किया जानलेवा हमला, हमला कर फरार हुए माफिया। बरेली में जरी कारोबारी की पीट पीट कर हत्या, 2 पक्षों में विवाद के बाद लाठी डंडों से मारा, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। भारत में अमेरिका के नए राजदूत तो होंगे एरिक गारसेती, लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर हैं एरिक। पाकिस्तान में गहराया बिजली संकट, बाजार मॉल को जल्द बंद करने के निर्देश। चीन के अस्पतालों में दिख रही है भारी भीड़, इमरजेंसी में कोविड का इलाज करवाने के लिए मारामारी। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों से अस्पताल पर बढ़ा दबाव, लगातार बढ़ाई जा रही है अस्पतालों की क्षमता। यूरोपीय संघ ने चीन को कोविड से निपटने के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, कहा वैक्सीन भी डोनेट करने की हमारी तरफ से पेशकश है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बिगड़े, स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट पैदा हुआ। ब्रिटेन के हजारों रेल कर्मचारियों ने की हड़ताल, पूरे हफ्ते प्रभावित रह सकती है रेल सेवा, ब्रिटेन की लगभग आधी रेल्वे लाइनें बंद। डोनेस्क में अटैक के बीच एक रिहायशी इलाके में लगी आग, स्थानीय गवर्नर ने कहा ट्रेन स्टेशन, चर्च और एक औद्योगिक क्षेत्र में भी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को मजबूत करना होगा अपना डिफेंस सिस्टम, रूस को बताया टेररिस्ट स्टेट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरा।
अमेरिका के लुइसियाना में टॉर्नेडो से तबाही, तस्वीरों में दिखी तबाही, कई इलाकों में उखड़े पेड़। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में तूफान के बाद तबाही, पेड़ गिरने से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कैलिफोर्निया में चट्टान से गिरी एक टेस्ला कार, कार में सवार चारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अजरबैजान में बड़ा सड़क हादसा, तेल टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद धमाका हुआ। कोसोवो सर्बिया विवाद के बीच कोसोवो में सड़कों को ब्लॉक कर रहे ट्रक हटाए गए, नेटो शांति सेना ने हटवाए बैरिकेड। स्पेस एक्स ने 2023 का पहला मिशन लॉन्च किया, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए भेजा रॉकेट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास क्रूज में 8 दिन तक फंसे रहे यात्री, क्रूज शिप में मरीन ग्रोथ होने की वजह से नहीं मिली किसी भी देश में एंट्री। बोलीविया में विपक्षी नेता लुइस की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने नेता की रिहाई की मांग। बिना हिजाब के शतरंज खेलने वाली ईरानी खिलाड़ी को मिली चेतावनी, सूत्रों के मुताबिक फोन पर ईरान वापस नहीं लौटने की मिली चेतावनी। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ने के बाद रियाद पहुंचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लब के में फैंस ने किया जोरदार स्वागत। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।